नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त प्रिंस उपाध्याय। आज मेरे चैनल पे आप सबको मैं कहानी बताने वाला हूँ हडिम्बा देवी टेम्पल के बारे में, जो बहुत ही ऐतिहासिक है। तो करीब 80-90% लोग को कहानी पता नहीं होगी। तो दोस्तों, आज मैं हडिम्बा देवी टेम्पल के बारे में आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना और मैं आपको इस वीडियो में दर्शन कराऊँगा, तो आप दर्शन भी कर लीजिएगा और मन्नत भी मांग लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। माना जाता है कि भीम और पांडव मनाली से चले जाने के बाद हडिम्बा राज्य की देखभाल के लिए वापस आ गई थी। ऐसे कहा जाता है कि हडिम्बा बहुत दयालु और न्यायप्रिय शासिका थी। जब उनका बेटा घटोरगज बड़ा हुआ तो हडिम्बा ने उसे सिंहासन पर बैठा दिया और अपना शेष जीवन बिताने के लिए ध्यान करने इस जंगल में आ गई। हडिम्बा अपनी दानवता या राक्षसी मिटाने के लिए इसी चट्टान पर बैठकर कठिन तपस्या करती थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मंदिर की ओर हम आ चुके हैं और मंदिर बस 10 मीटर की दूरी पे है मुझसे। और इस हसीन ठंडी वादियों में इस मंदिर का आप नज़ारा लीजिए, दर्शन करिए। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने एक नए व्लॉग्स के साथ। आपको पता होगा कि दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, तो उनमें से आज एक मैं मनाली में हूँ। मैं परसों मुंबई से निकला था मनाली के लिए, तो कल मैं चंडीगढ़ पहुँचा। चंडीगढ़ में करीब 4 बजे के आसपास पहुँचा हूँ। हमारी ट्रेन दोपहर में परसों 12 बजे की थी, तो मैं 4 बजे के आसपास कल पहुँच गया हूँ। तो अब मैं वहाँ पे चंडीगढ़ रुका, थोड़ा खाना वीना खाया, थोड़ा जाना कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है मनाली के लिए। तो आपको पता है कि सिर्फ वहाँ पे जो भी है रोड ही से ही जा सकते हो, और रोडवेज और कुछ है नहीं जाने के लिए। तो आप बस से भी आ सकते हो, प्राइवेट गाड़ी करके भी आ सकते हो, या तो आप गवर्नमेंट की बस लेके भी आ सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ज़्यादा हो तो मैं तो बोलूँगा कि आप भाई पर्सनल गाड़ी करके आओ, बेस्ट होता है। तो हमने भी वही करके आया। तो फिर जब हम रात में पहुँचे, हमको हो गई थी रात नहीं यार, सुबह हो गई थी 6 बजे, -4 डिग्री सेल्सियस थी भाई, हालत ख़राब हो गई। मुंबई में तो बिल्कुल ठंडी, मगर यहाँ पे बहुत ठंड है। तो मैं आपको एक याद बोलूँगा कि भाई आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो भाई बहुत तैयारी के साथ आइए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिर मैंने ब्लैक टोन शर्ट पहना हुआ है। तो अब मैं जैसे कि वहाँ से पहले सुबह निकला, तो मैंने पूछा कि यहाँ पे सबसे पहले मैं देखो भाई भगवान की भक्ति में ज़्यादा भरोसा करता हूँ और मैं करता भी हूँ। तो मैंने पूछा कि पहले बात ये बताओ कि सबसे पहले यहाँ पे पुराना मंदिर है या फिर कोई कुछ भगवान की बोलते ना नेचर गिफ्ट या कुछ हो। तो फिर मेरे को पता चला कि यहाँ पे हडिम्बा टेम्पल है। तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि हडिम्बा टेम्पल क्या है, बहुत लोगों को पता भी होगा जो घूमते हैं, तो बहुत लोगों को नहीं पता। तो मैं उनको बता दूँ, मेरे पीछे जस्ट है, आप देख सकते हैं ये हडिम्बा टेम्पल है। तो मैं आपको भाई इसका दर्शन करा देता हूँ। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हडिम्बा टेम्पल क्यों है, क्या मतलब किसको नहीं पता है, पता भी होगा तो मैं बता दूँ। ये हडिम्बा टेम्पल जो है आप सब जानते होंगे हडिम्बा देवी के नाम से है, ठीक। और ये एक इनकी वाइफ थी, आप सब जानते होंगे महाभारत तो आपने सबने देखा होगा, टीवी बचपन में देखा होगा, बड़े में देखा होगा, अभी भी देखते ही आ रहे हैं। तो उनमें जो 5 पांडव थे हमारे भाई, आप जानते होंगे जिन्होंने लड़ाई जीता था महाभारत का, तो उनकी जो उनमें से एक थे भीम, तो उनकी वाइफ का नाम है हडिम्बा देवी। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से माना गया है कि यहाँ पे जो भी आता है मन्नत मांगता पूरी होता है। तो भाई भगवान की जैसे सब कुछ है, बट पैसा और मन्नत दुआ जितनी मांगनी है उतनी कम है भाई। तो मैं आज आपको चलो दर्शन कराता हूँ हडिम्बा देवी का टेम्पल का। कोविड की वजह से ये जगह अभी बंद है, अभी कोई अंदर जा नहीं सकता। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट मेरे पीछे ही है। जिसे भी मन्नत मांगना मांग लो, अभी मन्नत मांग लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर बनाया गया था 1553 में महाराजा बहादुर सिंह के द्वारा। आप देख सकते हैं करीब 450 साल हो चुके हैं, 500 साल होने आ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोग इसे डुंगरी वनविहार भी कहते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं बता रहा हूँ भाई, ज़िंदगी में कहीं जाओ चाहे मन जाओ, मतलब मनाली और कश्मीर ज़रूर घूमें। मैं कश्मीर भी जा चुका हूँ, वो आएगा बाद में, बट मनाली ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह है। एग्जिट ले रहा हूँ, आपको मैंने सारी चीज़ें जैसे कि बता दी हैं कि क्या है मंदिर के बारे में, सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आपको मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप ज़रूर अपने ज़िंदगी में भाई एक ना एक बार मनाली की ज़रूर विजिट करें, बहुत सुंदर जगह है भाई। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा बहुत जल्दी। तो आप भाई सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, और भाई पसंद तो आएगा ही, शेयर मार देना यार। यहाँ सच सीरियसली एक बात बोलूँ तो ठंडी बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं भाई जस्ट मेरे पीछे भाई कितना मस्त स्ट्रक्चर है, पैगोडा टाइप का है। तो आप देख सकते हैं भाई। तो चलो फिर मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।